तो वहाँ पे है, सिम कार्ड मिलता है और रात के बज रहे हैं अभी 6:47, 6:47 बज रहे हैं रात के, और ये बिल्डिंग में मुझे जाना है, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। नमस्ते सर, वेलकम टू माय ब्लॉग, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। बहुत ज्यादा ही ठंडी है यार पे यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ठंडी, मतलब कि कांप रहा हूँ। यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान चालू है और रात के बजे 6:47 मेरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में जाना है, 8वें माल पे, सबसे टॉप पे रहता हूँ। ये बात है, उनकी बिल्डिंग इसमें है। मेरे दोस्त लोग चाय पीने निकले हुए हैं और मुझे क्या है, मुझे तो कुछ यहाँ का आता पता ही नहीं है, कौन से स्ट्रीट पे कहाँ पे रह रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं गया। वो लोग निकल गए आगे, वो लोग आगे हैं, बट वो लोग जब आएंगे तो मिलता हूँ। तो कुछ इस कदर है हमारा कुवैत, आप लोग दिखाता हूँ आप लोगों को। और मेरे पीछे यहाँ पे ना कबूतर और डक ये सब मिल, मेरे पीछे वो है ना ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो कुछ खाना पीना है आप ले आ सकते हो, ऐसा सीन है। मगर अभी अपने पास सिविल कार्ड नहीं बना, जब सिविल कार्ड बन जाएगा तो वो सबसे बड़ी बात होगी, तो मैं यहाँ पे फ्रीडमली किसी भी कोने पे जा सकता हूँ। अभी मैं क्वारंटाइन हूँ तो मेरे को है ना, मैं कहीं ज़्यादा बाहर आ जा नहीं सकता हूँ, तो मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया था, क्या करूँ, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए मैं नीचे उतरा हूँ, क्योंकि सुबह निकल नहीं सकता, ज़्यादा ठंडी थी। अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, और इसकी वजह से मैं थोड़ा ऊपर से नीचे आया हूँ। ये मेरा बेस्ट पार्ट है कि यार चल थोड़ा सा चल लेते हैं, बाकी के लोग चाय की चुस्की लगाने गए, मैं अभी यहाँ पर। ओ भाई लोग, मेरे तीन बंदे, चाय मिला, चाय कॉफी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे मशीन वाला है। तेको भी कॉल कर रहा है तो फोन तो उठा, फोन ऊपर रखे आए, मालपुआ लेके आए, माशाल्लाह क्या लेके, मालपुआ है क्या, अंडा है क्या, मीठा क्या, कैसा है तू खाया क्या, तू टेस्ट किया, कैसा है, अच्छा स्वीट है तो खाया, अच्छा है, नहीं खाओ भाओ, ओहो हम आके वहाँ पे खाएंगे, यहाँ पे रोलर शो टेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत कड़क है, चमड़ी की तरह खोलना पड़ता है, मैं गर्म करूँगा, बोलते हैं ठंडा ही अच्छा लगेगा, पूरा का अकोमोडेशन में आ चुके हैं, और अरे कुछ अलग ही लग रहा है, आटा जैसा लग रहा है, मैं खाया तो उसको, सलीम भाई जा रहे हैं उसको भी खिलाने के लिए, हाँ खिला दो भाई, खिला दो खिला दो, सही है तुम्हें बांट रहे कुछ तो खा के, नहीं बस हो गया तो मेरे को ज्यादा मीठा लग रहा है, तुम क्या लाया है भाई, लेस भी कुछ लिखे है, यहाँ का लेस देखो कुछ इस प्रकार का होता है, स्माइल लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप भी जिंदगी में अपने हंसते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ये तो बताना बहुत बढ़िया था, कब से आया था बेचारा, इसके लिए तरस चुका है, बताओ क्या है गाइस, दोस्तों क्या है ये, हॉर्स क्या है, नॉन अल्कोहलिक बियर, नॉन अल्कोहलिक बियर किससे बना हुआ है, गेहूं से, ये तो दो है, तो यू हैव योर ड्रिंक दूध, तो मैं दूध पीने वाला हूं, या नहीं इसमें ज्यादा कुछ फिजी था इसकी वजह से, एक्वाफिना वाटर बॉटल रहेगा, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं है, अच्छा चलो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा भी नहीं ना अल्कोहल, चलो ठीक है, कितने का दिया, 200 फिल्स, सस्ता है यार, चलो ठीक है एंजॉय करो, तुम पियेंगे ये, मैं पीऊंगा ये, दिस इज फॉर मी, सो रेड बुल सोच के सोडा उठा के ले गया है, सो
गाइस लेट्स टॉक अबाउट सम सीरियस पॉइंट, क्योंकि ये सीरियस पॉइंट बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बताना जरूरी है जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया इसकी वजह से। तो स्टार्ट करने से पहले अपन मारते हैं अपना इंट्रो। नमस्ते सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ में PCR कोविड PCR टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, वो चेक करता ही करता है। और सेकेंड थिंग, आपके पास में टिकट होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। फोर्थ थिंग, आपके पास में जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका वीजा स्टैम्पिंग के साथ में फिट मेडिकल, मतलब फिट स्टैम्प लगा होना चाहिए। जैसे कि गम का मेडिकल फिट होता है, वो आपको फिट स्टैम्प होना चाहिए। अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम कि आप जाने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भगवान जाने। इन चीजों का बात जरूर रखना। और हाँ, अपने साथ में अगर आपने वैक्सीनेशन प्रूफ कभी सबमिट करके रखा है तो आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, और डबल डोज वाला, सिंगल डोज नॉट अलाउड, डबल डोज वाला आपको करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें मायने रखती है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो आपको किसी भी प्रकार का वहां पर कोविड टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 48 आवर्स के अंदर वाला कोविड टेस्ट यानी PCR RT-PCR टेस्ट किया हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपको अंदर छोड़ेंगे, वरना सेम लटक जाओगे। अब मेन केस मेरे सिनेरियो में क्या हुआ, जब मैं कोविड RT-PCR का टेस्ट कराया था तब मेरा RT-PCR मतलब पॉजिटिव आ गया था, तो मैं बहुत टेंशन में था, मुझे नहीं लगा था कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। और थैंक गॉड कि जिब्राम सर मेरे साथ में थे वीरा इंटरनेशनल से, उन्होंने फोन किया और बताया कि ठीक है मैं तेरे को दूसरा नंबर देता हूँ, वो मेडिकल पे जा। तो उन्होंने मेरा जीनी मेडिकल करवाया और मैं जाके फिट आया। सो थैंक यू सो मच जिब्राम सर, आपकी वजह से मैं कुवैत ट्रैवल कर पाया। और मुझे कुवैत एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में किसी भी प्रकार का RT-PCR टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि मेरा इम्यून ऐप ग्रीन था, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया था उस ऐप में, तो उसके थ्रू मैं आ गया था। सो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मुझे टेस्ट नहीं कराना। बाकी के तीन लोग मेरे साथ, मतलब पांच लोग थे टोटल, हम दोनों को, मुझे डोलोस्टन को किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं कराना पड़ा, और बाकी के दो लोगों को, तीन लोगों को, उन लोगों को RT-PCR का टेस्ट कराना पड़ा। तो अभी वो लोग 14 डेज अंदर क्वारंटाइन के इस बंगलो में, मतलब इस फ्लैट में है, एंड मैं 9 डेज के लिए, उसके बाद मेरा वापस यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, गम का मेडिकल जो भी होगा प्रोसीजर होता है, वो होने के बाद में मैं जॉब को वापस से ज्वाइन करूंगा। तब तक हम यहाँ पे 9 डेज में क्या क्या फन करते हैं, क्या क्या मस्ती कर सकते हैं और क्या क्या मस्ती करने वाले हैं, ये सब आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्त मिले ना ऐसे फुल मस्ती वाले दोस्त हैं, तो एंजॉयमेंट हमारा बना रहेगा। कुछ नहीं, बस यही वीडियो है, मेरी वॉइस थोड़ी इको हो गई ड्यू टू द, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मैटर्स वगैरह। अगर आपको वीडियो पसंद आती रहेगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे साथ में है मेरे दोस्त। और आपको मैं अपना होम टूर तो करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, और आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या हम मस्ती करने वाले हैं, कुवैत की लाइफ क्या होने वाली है, सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।